वो हमने यहाँ पे नहा लिया नदी में नहीं बल्कि खेत में नहाया, चूँकि हमें तैरने। आप सभी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। आप मेरे गांव में तो यहाँ पे बाढ़ आ चुका है, आपके गांव में क्या आया है? नहीं आया तो इस बाढ़ का कुछ और ही है, गांव का मज़ा है। आप तो शहर में रहते हैं पता है आप पागल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले जी एस मोस्ट। तो देख सकते हैं मैं आया हूँ अभी अपने गांव से दूर, यहाँ पे मैं अपने नदी के किनारे जहाँ पे छठ पर्व में इस नदी को आपको दिखलाते थे, लेकिन आज फिर से यहाँ पे दिखला रहे। पानी आज भरा हुआ है, छठ पर्व में जो आते थे पूरा खाली रहता था। तो आज इस नदी में नहाएंगे और कुछ मज़ा भी लेंगे और आप सबको भी मज़ा दिलवाते हैं। मेरे साथ आया है यहाँ पे देख सकते हैं मुकेश, गमछी ले कर आया है और कोई व्यक्ति यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला, बाढ़ आ चुका है। पिछले 24 घंटा से यहाँ पे हमारे गांव में आसपास काफ़ी ज़ोरदार बारिश दिया है और ये सारा जो पानी देख रहे हैं सभी यहाँ पे बारिश का ही पूरा। यहाँ पे हमारे जो फसल है वो भी नुकसान हुए हैं और यहाँ पे फसल डूबने वाले हैं। वो हम आप देख सकते हैं काफ़ी दूर में पानी जो वाइट दिखाई दे रहा है वो पानी है और धान के ऊपर से गुजर गया पानी और धान की फसल यहाँ पर नुकसान हुई है। बिहार सरकार को चाहिए कि इसका मुआवजा हमें हम बिहार वासियों को दिया करें, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को। और यहाँ इसका फल भी पक चुका है, देख सकते हैं नीचे गिरा है। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो इसको यहाँ पे आते थे रास्ते में 3-4 बजे बोरे में आते थे। ये फल को देखना गिर न जाए भगवान, इसीलिए जल्दी भागेंगे ताकि ये फसल किसी भी समय वहाँ से गिर सकता है ऊपर से, और इसीलिए यहाँ खतरा से बना हुआ है। इसके पास खड़ा रहना बहुत खतरा है। तो ये देख सकते हैं हाथों में इसको घर ले जा के बोते थे पहले बचपन में आते थे, जब आप सबसे मुलाकात भी नहीं होता था। तो फिर से आज आपको दिखला दें, यहाँ काफ़ी संख्या में गिरा आज इसको चुनने के लिए कोई नहीं। उसमें काफ़ी मार होता था क्योंकि हमारे गांव जो था कि गांव है और पिछड़ा वर्ग है, तो यहाँ पे काफ़ी भूखमरी था उस समय। अभी कुछ बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को कुछ मिला है तो राहत है, तो इसको चुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सर को भी हम सभी चुनेंगे और बोरिया लाए हैं, गमछी जो लाए हैं गमछी में बांधेंगे और बांध के ले जाएंगे घर और वहाँ पे लगाते हैं। उसमें बहुत खाने वाला अच्छा चीज़ होता है। तो ये कुआ नदी देखे, यहाँ पे पुल था हमारे, पुल को टपने के इधर से उधर जाने के लिए था, लेकिन यहाँ पे पानी से भर गया है और काफ़ी रेत चल रहा है। इसमें स्नान करने के लिए दिन में काफ़ी लोग आए थे, हम उस समय नहीं आ पाए थे। ये स्नान करके आप सभी को दिखलाएँगे, हम और मुकेश दोनों नहाएँगे। उसके बाद यहाँ पे धान, मेरा जो धान का खेत है यहाँ पे जो कि अच्छा है, बर्बाद हो चुका है। अभी अगर बाढ़ का पानी यहाँ पे घटता है तो ठीक है, नहीं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लगभग यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे मेरा धान नुकसान होने वाला है। और तो यहाँ पे देखते हैं धीरे धीरे जो पानी का रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। ये है नदी और ये नदी के बगल में ये खेत है, हम इसी खेत में नहाएंगे क्योंकि नदी में हम हेलने नहीं। संध्या के 3 या 3:30 बज रहे हैं, हम नदी में तो नहाएंगे नहीं क्योंकि हम नहाने जानते नहीं, तो हम इसी खेत में नहाएंगे। जानते तो कहाँ नहाएंगे, खेत में तो नदी में नहा नहीं सकते हैं, तो चलिए नहाते हैं उसके बाद घर जाएंगे। हम अभी नहाएंगे, ये नदी था इसमें तो अभी हम हेलने के लिए सीखेंगे, उसके बाद नहाने बगल से ही नहा लेते हैं क्योंकि उधर काफ़ी गड्ढा है, तो इसे नहाता है काफ़ी चल रहा है नदी में। तो हमने यहाँ पे नहा लिया नदी में नहीं बल्कि खेत में नहाया, चूँकि हमें तैरने के लिए नहीं आता है। तो आप सभी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। आप मेरे गांव में तो यहाँ पे बाढ़ आ चुका है, आपके गांव में क्या आया है? नहीं आया तो इस बाढ़ का मज़ा कुछ और ही है, गाँव का मज़ा है। आप तो शहर में रहते हैं पता है आप, भागलपुर, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, हावड़ा, जयपुर, इलाहाबाद, काफ़ी यहाँ, लेकिन यहाँ गाँव का काफ़ी मस्त है।
यहाँ पे नहा लिए हैं, अब यहाँ पे घर जाएंगे धीरे धीरे पगडंडी के द्वारा। ये मेरा धान का खेत देख सकते हैं, पानी से भरा हुआ लपट लप यहाँ पे कर रहा हूँ पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं रेत चल रहा है और मेरा धान का ये फसल था जहाँ डूब गया है, और यहाँ काफी रेत चल रहा है, इधर से पानी इधर जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे लहराता हुआ जा रहा है पानी के अंदर से। ये धान की खेती, धान को यहाँ लिबा दिया है, ये इसको पार करने में भी डर लगता है, उधिया देगा। धीरे धीरे यहाँ पे जा रहे हैं, मुकेश तो डर के हमारे उधर अभी घूर रहा है, देखते हैं ऊपर में ही हम पानी में यहाँ घुस गए, देखते हैं कितना पानी है। काफ़ी यहाँ पे पानी था डारा भर, और मैं धीरे धीरे ऊपर हो रहा हूँ, और गड्ढा भी यहाँ पे है। मुकेश अभी तक वहाँ है, चलो आधा आधा डरने के बाद नहीं है, छाँकेंगे। नदी से दूर आ चुके हैं, अब धीरे धीरे घर जा रहे हैं, संध्या हो चुकी है। और ये धान के बगल में पगडंडी जो पानी से भरा हुआ, तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति क्या, बाढ़ आ चुकी है। और आपसे वीडियो को शेयर करें, बिहार सरकार तक पहुँचे और हम सबको मुआवजा दिलवाए भाई, में पानी इतना फैला हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो फाइनली, आप सबको ब्लॉग कैसा लगा, हमें तो बड़ा मस्त आया नहाने में। यहाँ पे देखें किस तरह से नहाए, क्योंकि नदी में तो तैरने नहीं जानते थे, इसलिए खेत में ही नहा के आ गए। और ये सब मेरे खेत है, मेरा ही खेत है, और देख सकते हैं यहाँ पे धान से लगा हुआ है। चलिए कैसा वीडियो लगा आप सभी कमेंट में लिखे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे, और काफ़ी रोमांच ब्लॉग लेके आएंगे। और शाम को मेला भी जाएंगे तो वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आज आ रहे हैं हमारे कहलगांव में, एक मुंबई का प्रसिद्ध है, चूँकि गणेश महोत्सव पे, गणेश चतुर्थी के उत्सव पे मेला यहाँ पे लगा है हमारे शहर कहलगांव में, वहाँ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें उस ब्लॉग को देखने के लिए, मेला को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।